यहाँ पर मिल रहा है अपने को। और मोस्टली इस ये वाला प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चे लोग या जो भी एग्जाम दिए होंगे हैंडल नहीं कर पाए होंगे, इसमें से 90% हैंडल करने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा। क्वेश्चन दिया गया है, इसमें एक रिएक्शन दिया गया है और इस रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है, बैलेंस करके बताना है कि ये जो बैलेंस करने पर जिंक के लिए कितना एटम्स प्रेजेंट होगा उसमें। ठीक, तो ये रिएक्शन कुछ इस प्रकार से दिया गया है, जेड एन प्लस एच एन ओ थ्री और ये बना रहा है जेड एन एन ओ थ्री ट्वाइस प्लस एन टू ओ प्लस दे रहा है एच टू ओ। ये कुछ इस प्रकार से रिएक्शंस दिए गए हैं और पूछा गया है संतुलित करने के पश्चात जिंक की संख्या क्या है। ठीक, तो अब इसको संतुलित कैसे करना है, यहाँ पर तीन टाइप से आप कोई भी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो। एक तो हो सकता है रेडॉक्स बेस पर, अगर रेडॉक्स रिएक्शन दिया हुआ है आपको क्लियरली दिख रहा है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कितना कितना हो रहा है तो रेडॉक्स बेस पर आप इसको क्लियर कर सकते हो, या कोई सिंपल इक्वेशन दिया गया है जैसे कि इधर दो है ज्यादा नहीं है तो आप उसको क्लियरली देखकर बता सकते हो। लेकिन अगर इस प्रकार से कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन हो जाता है तो उसको किस प्रकार से बैलेंस करना है देखते हैं। बहुत ईजी है, अगर कुछ थोड़ा सा फंडा लगाते हैं तो कितना ईजी वैसे इसको हम कर सकते हैं देखते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, जितना भी स्टेप है ना यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा है सबको अलग अलग स्टेप में बनाने का कोशिश करते हैं, ठीक, जिससे क्लियर हो जाए। और सभी स्टेप को हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, बाद में सबको जोड़ देते हैं, जोड़ने पर अपना बैलेंस रिएक्शन प्राप्त हो जाता है। जैसे कि ये जिंक नाइट्रेट को बनाएंगे तो जिंक नाइट्रेट कैसे बनेगा, दोनों का रिएक्शन सही बनेगा जेड एन प्लस एच एन ओ थ्री और ये बन जाएगा जेड एन एन ओ थ्री टू। ठीक, ये बन गया, इसे बन गया जिंक और नाइट्रेट से ये बन गया। ठीक, अब इसमें देखिए जिंक नाइट्रेट बना लेकिन एच यहां पर क्या हो गया, बच गया है, तो इसको अपने को यहां पर लिखना पड़ेगा। अब ये लिख दिया एच, ठीक, यहां पर चेक करते हैं नाइट्रोजन की संख्या कितना है, दो है। ठीक, तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर दो से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक, ये दो से मल्टीप्लाई किया यहां पर तो ये देखिए हाइड्रोजन क्या हो गया, दो हो गया। ठीक, तो इसको भी मैं क्या कर देता हूं, दो कर देता हूं, बैलेंस हो गया रिएक्शन। जिंक एक है, नाइट्रोजन दो है और ऑक्सीजन तीन, थ्री टू जो सिक्स, यहां पर भी देख सकते हैं थ्री टू जो सिक्स और हाइड्रोजन की संख्या दो। ठीक, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरा क्या बना है, यहाँ पर एन टू किससे बन सकता है, इसी से ही अकेले इसी से बन सकता है, मैं ले रहा हूँ एच एन ओ थ्री और यहाँ पर बना दिया एन टू ओ और कुछ बच रहा है यहाँ पर एन टू ओ। ठीक, यहाँ पर एन टू ओ और दो ऑक्सीजन बचा है और एक हाइड्रोजन बचा हुआ है तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ एच टू ओ, बन सकता है, श्योर बन सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए दो ऑक्सीजन हुआ, एक ऑक्सीजन अभी भी बचा हुआ है तो उस ऑक्सीजन को मैं माइनस करने के लिए क्या कर दिया, यहाँ पर ओ कर दिया। अब यहाँ पर अकेले इससे इतना सारा प्रोडक्ट बन गया। ठीक, तो अब इसको बैलेंस करते हैं, एन टू ओ यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, दो है, सॉरी नाइट्रोजन की संख्या दो है, यहाँ पर मैं दो कर देता हूँ तो अब देखिए क्या रिएक्शन बैलेंस हो रहा है। ठीक, उसको चेक कर लेते हैं, तो इसको चेक कर लेते हैं हाइड्रोजन की संख्या दो, हाइड्रोजन की संख्या दो, ठीक, ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की संख्या दो, नाइट्रोजन की संख्या दो, ऑक्सीजन की संख्या थ्री है, सॉरी थ्री टू जो सिक्स है, थ्री टू जो सिक्स, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, तीन है। तो अब हम क्या करें, तो यहाँ पर ये सिक्स हो जाए, यहाँ पर मैं सिंपली चार कर देता हूँ, चार पांच छह, ठीक, छह हो गया, तो ये भी रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, एक और क्या बचा है अभी भी यहाँ पर एच टू ओ, सभी प्रोडक्ट को बनाना है हमने, एच टू ओ बना लेते हैं। तो एच टू ओ किससे बनेगा, तो एच टू ओ सिंपली हम यहाँ पर एक चीज देखिए, अपने जो रिएक्शन यहाँ पर हम मतलब मल्टी स्टेप रिएक्शन तैयार कर रहे हैं तो इसमें देखिएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये बनते हुए जा रहे हैं जबकि यहाँ पर कहीं पर नहीं है, तो सीधा सीधा हम इसको बैलेंस करने के लिए, कैंसल आउट करने के लिए क्या करेंगे, अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर क्या कर लेंगे, हम फॉर्म कर लेते हैं क्या, एच टू ओ जो अपना प्रोडक्ट है। ठीक, ये एच टू ओ बन गया, इसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने पर क्या होगा, ऑलरेडी बैलेंस है अभी। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पर चार ऑक्सीजन है, अगर मैं इसको जोड़ता हूं, जोड़ूंगा तो क्या होगा, ये इस साइड है, अगर इसको उल्टा करेंगे तो रिवर्स माइनस प्लस चेंज हो जाएगा, प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मतलब इस साइड का जो मॉलिक्यूल है उसको इस साइड के मॉलिक्यूल से काट सकते हैं, ठीक, माइनस कर सकते हैं। यहाँ पर चार ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है, एक ही ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को मैं कैंसल आउट करने के लिए पूरा रिएक्शन को क्या करूंगा, चार से गुणा कर दूंगा। ठीक, तो यहाँ पर चार से गुणा करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, फोर एच टू हो जाएगा, फोर ओ हो जाएगा और फोर एच टू ओ हो जाएगा। ठीक, इसके लिए इस ऑक्सीजन को कैंसल आउट करने के लिए। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं फोर एच टू है,
यहाँ पर इधर से देखना है कैंसल आउट करने के लिए फोर एच टू, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एच का कंडीशन यहाँ पर है, टू एच को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर अब एच टू। ठीक, अब यहाँ पर फोर एच टू है, यहाँ पर सिर्फ सिंगल एच टू है, तो इसको इस रिएक्शन को फिर से क्या करूंगा मैं अब चार से गुणा कर देता हूँ। ठीक, चार से गुणा कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, फोर जिंक हो जाएगा और ये हो जाएगा चार दूनी आठ हो जाएगा, यहाँ पर ये चार हो जाएगा और ये हो जाएगा चार। ठीक, अब देखते हैं ये फोर एच टू कैंसल आउट हो जाएगा, फोर ओ टू कैंसल हो जाएगा और कुछ कैंसल नहीं होगा। ठीक, तो अब यहाँ पर देखते हैं फोर जेड एन प्लस एट और टू, यहां से आठ और दो कितना हो गया दस, एच एन ओ थ्री और ये हो जाएगा फोर जेड एन एन ओ थ्री टू प्लस एन टू ओ और चार एक पांच फाइव एच टू ओ। ये अपना बैलेंस समीकरण है, बहुत इजी है इसको बनाना, बस यहाँ पर स्टेप मल्टी स्टेप में तोड़ना आना चाहिए। ठीक, तो अब इसमें बैलेंस रिएक्शन के पश्चात देखो जिंक की संख्या कितनी है, ये पूछा गया है, बैलेंस रिएक्शन के पश्चात देखते हैं तो जिंक की संख्या कितनी है, चार है। तो इसमें ऑप्शन में देखते हैं तो लास्ट ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, उसमें बोला गया है चार। ठीक,